हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और आप सबका आज फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य। दोस्तों, हमारे चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में बताते रहते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दिनचर्या के इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे किचन के उन पाँच जहर के बारे में जो हमें हमारे किचन से निकाल के बाहर फेंक देने हैं। इसमें से पहले दो जहर के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं अगले सफ़ेद जहर के बारे में। दोस्तों, आज जिस जहर के बारे में बात कर रही हूँ वो है आयोडीन वाला सफ़ेद नमक। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ सालों पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने यह कह के आयोडीन वाला नमक कंपलसरी कर दिया कि अगर आयोडीन वाला नमक नहीं खाए खा आप अगर आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे खाने में तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, गलगन हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा। देखा है ना, हम जब छोटे थे हमारे बुक्स में भी आता था गलगन, ऐसी ऐसी एक इमेज भी आती थी, है कि नहीं। तो कुछ सालों पहले, उसके पहले हम आयोडीन नमक नहीं खाते थे, पर कुछ सालों पहले हमने आयोडीन नमक खाना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, सच बात तो यह है कि गॉइटर या फिर गलगन ये जो बीमारी है ये सिर्फ रिमोट हिल एरियाज़ में ही पाई जाती है। रिमोट हिल एरिया जैसे नागालैंड, आसाम, वहाँ पे ही बीमारी पाई जाती है। और ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे उन लोगों को उनके नेचुरल खाने द्वारा आयोडीन जो है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है, जबकि बाकी पूरे इंडिया में आयोडीन की मात्रा सफिशेंट परसेंटेज में हमें मिल जाती है। बाकी पूरे इंडिया में 99.9% लोगों की आयोडीन की जो लेवल है वो एकदम नॉर्मल है। फिर ये आयोडीन की कंपल्सन क्यों, फिर ये आयोडीन की ज़बरदस्ती क्यों, तो इसका रीज़न मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो आयोडीन नमक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आयोडीन नमक है वो हम लोगों को बांझ बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ, आपको शौक लगा होगा सुन के, पर ये बात बिल्कुल सच है। आयोडीन नमक जो है वो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहूँगी जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम 1974 का डॉक्यूमेंट है जो अमेरिका ने रिलीज़ किया था। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट के तहत उन्होंने ये डिसाइड किया कि अमेरिका को जो है वो आने वाले कुछ सालों में, जैसे 50 या 100 सालों में, अलग अलग देशों से मिनरल्स या फिर फ्यूल्स, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, उनको कम पड़ने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ 13 विकसनशील देश उन्होंने फाइंड आउट किए, जहाँ पे, और उन्होंने ये कहा कि जो देश हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम जो है, जो देश हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसको लागू करेगा अपने देश में, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। और आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी काम बिना लोन लिए तो होता ही नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम है वो हमारे यहाँ पे लागू कर दिया इंडिया में। तो आप सबने भी नोटिस किया होगा कि 1974 के बाद से ही जो बर्थ कंट्रोल है या फिर नसबंदी का भी प्रोग्राम कराया गया, बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम कराया गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अबॉर्शंस भी बहुत इजीली अवेलेबल कर दिए गए, है कि नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आए। तो ये सब मतलब एक आंदोलन की तरह 1974 के बाद से शुरू हो गया। तो ये सब क्यों हुआ कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, क्यों, क्योंकि उनको नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे या फिर पड़ने वाले हैं। तो आप ही सोचिए कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, उनको बचाने के लिए हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये कहाँ की समझदारी है। मतलब हमें हमारी पॉपुलेशन कम करनी भी है तो हम हमारी कर लेंगे, है कि नहीं। उनको क्या पड़ी है कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करें या फिर वो कुछ हमारे लिए कुछ डिसाइड किए करें और वो हम लोग उसको फॉलो करें। दोस्तों, वो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया नेशनल सिक्योरिटी स्टडी मेमोरेंडम, आप उसके बारे में जाके गूगल पे सर्च करिए, आपको एक पूरा 110 पेज का पीडीएफ मिल जाएगा, वो ध्यान से पढ़ना। मैंने उस डॉक्यूमेंट में से कुछ हाईलाइट पॉइंट निकाले हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ठीक है, द बेसिक थेसिस ऑफ दिस मेमोरेंडम इज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, जैसे हमारा इंडिया है तो वहाँ की पॉपुलेशन, इज कंसर्न टू US नेशनल सिक्योरिटी। The policy gives paramount importance to population control measures and promotion of contraception among 13 populous countries. तो उन्होंने कुछ 13 देश इसके लिए आइडेंटिफाई किए। तो ऐसा क्यों, सिंस US इकोनॉमी विल रिक्वायर लार्ज एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड फ्यूल्स फ्रॉम अब्रॉड।
सुना आपने, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि उनको मिनरल्स और फ्यूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसकी वजह से हमको हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ऐसा उन लोगों को लगता है। ठीक है, तो ऐसे 13 विकसनशील देश उन्होंने फाइंड आउट किए, जिनमें सबसे पहला नाम तो इंडिया का ही आता है। तो वो देश है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, तुर्की, नाइजीरिया, इजिप्ट, इथियोपिया, मेक्सिको, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, तो इन देशों को उन्होंने कहा था कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम जो देश हम अपने अपने देश में लागू करेगा, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। ठीक है, इस मेमोरेंडम में जो है और भी कई चीज़ें लिखी है, उसमें से एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये प्रोग्राम जो है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में करना तो है, बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम थ्रू द नॉट डायरेक्टली। ठीक है, हम जो ये प्रोग्राम लागू करने वाले हैं वो थर्ड लीडर के थ्रू लागू करने वाले हैं, ऐसा ऐसा वहाँ पे लिखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो हम डायरेक्टली लागू नहीं करेंगे, बट एक थर्ड लीडर को फोरफ्रंट पे रखेंगे। समझ में आई आपको बात? मतलब ये सब जो जब लागू किया गया तो हमको पता ही नहीं था कि ये US ने डिसाइड किया है हमारे लिए। हम लोगों को लगा कि नहीं, हमारी सरकार करिए और हम अच्छा समझ के उसको कर रहे थे। तो दोस्तों ठीक, ये थी आयोडीन नमक के पीछे की स्टोरी। ठीक है, तो अब आयोडीन नमक से क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों हमारे खाने में हम जो रोज़ खाना खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, दूध लेते हैं या फिर बाकी बाकी भी जो खाना खाते हैं, उसके थ्रू हमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ आयोडीन हमारे बॉडी के लिए मिल जाता है, हमें एक्स्ट्रा आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर फिर भी हम ये रोज़ रोज़ आयोडीन वाला नमक खाते हैं, आप सोचिए दोनों टाइम हम सुबह शाम सब्जी में डाल के नमक खाते हैं, तो एक्स्ट्रा आयोडीन हमारे बॉडी में पंप होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा आयोडीन हमारे बॉडी में पंप होता है, इसकी वजह से होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है दोस्तों? हमारे बॉडी में थायरॉयड ग्लैंड होती है जो थायरोक्सिन नाम का एक संप्रेरक होता है जो सिक्रेट करती है। ठीक है, तो जब ये एक्स्ट्रा आयोडीन हमारे बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा थायरोक्सिन सिक्रेट होता है, और ये जो स्टेज होती है ये कहलाती है हाइपरथायरॉयडिज्म। और दोस्तों यही हाइपरथायरॉयडिज्म यही एक मेन चीज़ है इनफर्टिलिटी की। हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, बिहाइंड प्री मेच्योर बर्थ्स, बिहाइंड मेनी अबॉर्शंस। जो ये सब चीज़ें हो रही है, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ही हो रही है दोस्तों। 70 से 80% महिलाएं जो है वो बस इस हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ही बांझ है। समझ गए आप मेरी बात? तो आप ही सोचिए कि इस आयोडीन नमक को खाना कितना हानिकारक हो सकता है। अगर हम बचपन से लेकर जवानी तक इसको खाएंगे तो आगे जाके हमारे आने वाले जनरेशन पर क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, आप ही सोचिए। दोस्तों इसका एक और नुकसान मैं आपको बताती हूँ हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपरथायरॉयडिज्म कॉजेस प्रीमेच्योर एजिंग। प्रीमेच्योर एजिंग मतलब क्या? जैसे बच्चों में हो गया अर्ली डेवलपमेंट्स ऑफ ब्रेस्ट, या फिर बच्चों में हो गया अर्ली डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड्स इन अर्ली एज। मतलब बचपन में ही उनका शारीरिक विकास पूरी तरह से हो जाता है। यही एक रीज़न है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है उनका शारीरिक विकास उनकी उम्र से पहले ही हो चुका है। तो ये भी इसके पीछे का भी रीज़न यही है हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म के पीछे का रीज़न है आयोडीन नमक। तो समझ गए आप कि आयोडीन नमक कितना खतरनाक हो सकता है आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए। दोस्तों आयोडीन, और आजकल ये जो आयोडीन नमक मार्केट में मिलता है आप देखेंगे तो ये ऐसे फ्री फ्लो होता है, मतलब छोड़ देंगे ऐसे पाउडर की तरह छूट जाता है कि नहीं, फ्री फ्लो होता है। पर नेचुरली नमक का गुण क्या होता है? नेचुरली नमक का गुण होता है कि वो एक पत्थर की तरह होता है, बाइंडेड होता है, वो ऐसे फ्री फ्लो नमक नहीं होता है नेचुरली। तो ये फ्री फ्लो कहाँ से हो गया? तो नमक की फैक्ट्री में, इस नमक में एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट ये यही केमिकल है जो सीमेंट की फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से सीमेंट फ्री फ्लो रहता है ना। मतलब आपने देखा होगा सीमेंट को कब जब भी नमी मिल जाती है तो वो पत्थर की तरह जम जाता है ना। तो वो जमे ना, इसलिए उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलाया जाता है। तो सीमेंट को क्या होता है, जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं वो एकदम पत्थर की तरह एकदम जम जाता है, स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो एग्जैक्टली यही काम करता है ये आयोडीन वाला नमक हमारे पेट में जाने के बाद। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट वाला नमक जब हमारे पेट में जाता है तो उसको नमी मिलती है तो वो हमारे बॉडी में जाके स्टिफ हो जाता है, हमारे नसों को स्टिफ बना देता है या फिर जम जाता है। और फिर आता है बीपी का इशू, फिर हमको लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब इन 25-30 सालों में ही ब्लड प्रेशर के इतने सारे पेशेंट्स हो गए, मतलब हर घर में आपको कम से कम एक बीपी का पेशेंट तो मिलना ही मिलना है। तो
तो इसका भी रीज़न यही है दोस्तों। तो अब आप कहेंगे कि आयोडीन नमक नहीं खाना है तो हम क्या खाएंगे, मतलब नमक तो चाहिए ना सब्जी में, उसके सिवा टेस्ट कहाँ से आएगा। तो दोस्तों हमें हमेशा सेंधा नमक खाना है। सेंधा नमक थोड़ा सा लाइट पिंकिश शेड में आता है, पत्थर के फॉर्म में होता है, मार्केट में पिसा हुआ भी आपको मिल जाएगा, पिसा हुआ वो पैकेट में बेचते हैं ठीक है, पर वो थोड़ा पिंकी शेड में आता है। तो हमें हमेशा सेंधा नमक ही खाना है खाने में, आयोडीन वाला या फिर दूसरा सफ़ेद कोई भी नमक हमें नहीं खाना है। समझ गए आप मेरी बात दोस्तों। नमक की एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नमक हमेशा सब्ज़ी में डालने के बाद उसमें उबाल आना चाहिए, ऊपर से छिड़क के कभी भी नमक ना खाए, चाहे वो सेंधा नमक हो या फिर और कोई नमक हो, नमक को कभी भी ऊपर से छिड़क के नहीं खाना चाहिए। ऐसा ऊपर से छिड़क के खाया हुआ नमक हमारे शरीर में जाने के बाद विष के समान काम करता है ठीक है। तो ये थी नमक के नमक